नमस्कार, आपका एग्री एडवाइज में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, जो हम कलम तैयार करते हैं, अक्सर कलम सूखने के अधिक चांस रहते हैं या कलम तैयार भी हो जाती है, तो जब हम पौधे की रोपाई कर देते हैं तो पौधा स्वस्थ ढंग से अच्छी तरह ग्रोथ नहीं करता है और उसमें कुछ रोग लगने के बाद, कुछ समय के बाद पौधा सूख जाता है। तो ऐसी स्थितियों से बचने के लिए हमें कौन से उपाय करने चाहिए जिससे हम स्वस्थ पौधा यानी स्वस्थ कलम तैयार कर पाएँ और जब रोपाई करें तो उससे अच्छी फलत यानी अच्छी पैदावार भी ले पाएँ, इसके बारे में दोस्तों हम बात करेंगे। लेकिन उसके पहले थोड़ा बात करना चाहेंगे, जून महीना चल रहा है, इस समय जहां पर आप आगे बरसात के समय में पौधा लगाना चाहते हैं तो वहां पर आपको एक वर्ग मीटर गहराई, लंबाई और चौड़ाई का गड्ढा खोद लेना है। उसमें आधी कंपोस्ट और आधी सॉइल मिला करके और उस गड्ढे को ढक देना है। एक महीने लगभग बरसात हो जाने के बाद वहाँ पर आप पौधे की रोपाई करेंगे तो अच्छे से आपका पौधा चलेगा। अब बात करते हैं जो हम कलम तैयार कर रहे हैं, तो कलम तैयार करने के समय हमको कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए जिससे हमें पौधे जो तैयार करें वो अच्छी तरह से तैयार हों और अच्छी फलत मिले। तो इसके लिए जो पहला काम करना है, जहाँ से यानी जिस पौधे से आप टहनी ले रहे हैं वो पौधा बिल्कुल स्वस्थ होना चाहिए और अच्छी वैरायटी का पौधा होना चाहिए, उसी से आपका टहनी का चुनाव करना है। कोई पहले से रोगग्रस्त पौधा ना हो, यानी किसी भी प्रकार का, चाहे फूल हो चाहे तना हो, यानी कहीं पर जड़, तना, फूल आदि में रोग ना लगा हो, उसी पौधे से आपको कलम जो है तैयार करनी है, यानी टहनी का चुनाव करना है। दूसरी चीज़ आपको जो ध्यान रखना है वो ये ध्यान रखना है कि जो आप पौधा ले रहे हैं यानी जिस पौधे पर उस टहनी को बांधने वाले हैं, वो पौधा भी आपका बिल्कुल स्वस्थ होना चाहिए, किसी भी प्रकार का रोग ना हो और जो इसकी गुठली होती है, गुठली टूटनी नहीं चाहिए, जड़ें जो हैं वो अच्छी तरह विकसित होनी चाहिए। तो उसी पौधे का आप चयन करें, नहीं तो आपके पौधे चलने के चांस थोड़े कम हो जाते हैं या नहीं भी चलते हैं। अब इसके बाद जब आप पौधे की टहनी बांधते हैं यानी पौधे और टहनी को आपस में जोड़ते हैं, तो जोड़ने के पहले आपको एक काम और निपटाना चाहिए, क्योंकि कोई फफूंद जनित रोग हो सकता है तो आप फफूंद जनित दवा से उपचारित जरूर कर लें। जब आप उपचारित कर लेंगे तो जो फफूंद जनित बीमारियां हैं वो लगने के चांस ख़त्म हो जाते हैं। और जो आप टेपिंग करें, जब आप दोनों पौधों को यानी पौधा और टहनी को जोड़ रहे हैं, तो उसके बाद टेपिंग करने से पहले भी आपको उस स्थान को शोधित करना है, यानी फफूंद नाशी को लगा देना है, उसके बाद टेपिंग कर देना है। इससे पौधा बिल्कुल आपका स्वस्थ तैयार होगा और बाद में जो फफूंद जनित रोग भी लगते हैं उनके लगने के चांस काफ़ी कम हो जाते हैं। इसके बाद आती है सॉइल लेने की। जो हम सॉइल ले रहे हैं तो उसमें आधी हमको 50% सॉइल लेना है और 50% कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट लेना है। इसको आप गमले में भर दें। भरने के पहले आपको किसी कीटनाशक से शोधित कर लेना है, वो चाहे जैविक कीटनाशक हो। और जब आप इसमें पौधे की रोपाई करें तो पौधे की रोपाई करने के बाद आपको जो फफूंद नाशी जो आपके पास शेष बचा हुआ है वो उसी में डाल देना है। इससे पौधा और मिट्टी दोनों शोधित हो जाएंगे और आपका पौधा बिल्कुल एकदम स्वस्थ चलेगा। और जब आप उसकी रोपाई करें तो रोपाई करने के बाद आपको थोड़े थोड़े समय बाद किसी कीटनाशक और फफूंदनाशी का स्प्रे जरूर करते रहना है। इससे आप बहुत अच्छा और स्वस्थ पौधा तैयार कर पाएंगे और जो फलत होगी वो भी बिल्कुल एकदम स्वस्थ फलत होगी और किसी भी प्रकार का फफूंद जनित कीट लगने से बचेगा और पौधा सूखेगा नहीं। तो इस प्रकार से जब आप तरीकों को अपना करके कोई कलम तैयार करेंगे, रोपाई करेंगे, तो बढ़िया स्वस्थ पौधा तैयार कर पाएंगे। आशा करता हूँ ये जानकारी आपको समझ में आ गई होगी और जब भी आप नई कलम तैयार करेंगे तो इन तरीकों को अपना करके इसका लाभ जरूर लेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।